कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा होंगी जो आपके सवालों का जवाब देंगी। कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना की संख्या में थोड़ा बदलाव आया है। हालांकि केसेस कुछ सिटीज में, कुछ शहरों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। और हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका होगा और अभी भी बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अभी टीकाकरण नहीं कराया होगा। बहरहाल, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए हमें उन तमाम एहतियाती उपाय जो हैं बरतने होंगे, जो भी हमने अब तक सीखे हैं, जो भी हमने इस कार्यक्रम में आपने जाने हैं, जो भी डॉक्टर आपको बताया है, उन सबको एहतियाती जो उपाय हैं वो हमें बरतने होंगे, तभी हम कोरोना से अपने आप को पूरी तरह से दूर रख सकते हैं। हालांकि ऑफिसेस लगभग सभी खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, बच्चे लगातार अब रोजाना स्कूल जा ही रहे हैं और उनका टीकाकरण भी अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमें अभी भी उनको सिखानी है। बहुत से ऐसे एहतियाती उपाय हैं जो हमें लगातार उनको बताते रहने हैं ताकि हम अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। कोरोना के बाद भी हम प्रोलॉन्ग कोरोना के से हम बात करते हैं, जिसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना से बाद की बीमारियों से भी पीड़ित हो चुके हैं। उनको लेकर भी अगर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस समय हैं डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी डॉक्टर अपर्णा, कोशिश कर रहे हैं हम ये अपनी तकनीकी उसको सुधार सके। अब आपको वॉइस क्लियर मिल रही है? हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अपर्णा, एम आई क्लियर? नहीं, आवाज फेंट आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई नहीं, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह से मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम दूर कर सके जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। डॉक्टर अपर्णा, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और करीब एक महीने से ऊपर बच्चों के स्कूल खुले हुए हो चुके हैं। बच्चों को लगातार जो है मास्क पहनना पड़ रहा है। कोरोना हालांकि अभी गया नहीं है, कार्यक्रम की शुरूआत में हमने बात की थी, इसलिए अपने आप को कोरोना से बचा के तो हमको रखना ही है, लेकिन अगर आप 8 घंटे अगर बच्चे मास्क पहने रखेंगे तो भी उनसे कुछ दुविधा हो सकती है, कुछ परेशानी बच्चों को हो सकती है। ऐसे में बच्चों को अब क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप को कोरोना से भी बचा के रखें और ज्यादा उनको मास्क भी ना पहनना पड़े लगातार? जब भी बच्चे ओपन में अगर हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, उस समय मास्क उतार सकते हैं जी। जब डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं बाहर में, तब मास्क उतार सकते हैं। क्लास के अंदर मास्क पहनना जरूरी है। आजकल स्कूल्स पूरे 8 घंटे के लिए नहीं हो रहे हैं, बीच में लंच ब्रेक में अगर लोग बाहर जाएं, क्योंकि लंच ब्रेक अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में कर दिया कि क्लासरूम में बैठ करके नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि सबका मास्क बाहर रहता है और इंडोर सेटिंग में नहीं रहे, तो वो पीरियड में मास्क उतार सकते हैं। बाकी जो तकलीफ लोग बोलते हैं मास्क के साथ में, जो कंप्लेंट्स हैं बच्चों की, एडल्ट्स की भी कुछ करते हैं, वो एक तो हेडेक का है और बाकी ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि वॉइस की क्लैरिटी उतनी नहीं होती है। टीचर भी जो बोल रहे हैं मास्क में, वो कई बारी बच्चों को पूरा समझ नहीं आता है। आपस में बात करने में कई बारी लगता है कि क्लैरिटी उतनी नहीं है। अगर 1-to-1 इंट्रैक्शन होए तो बेटर होएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं, लेकिन जहां तक साइंटिफिकली बात है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन बॉडी में मास्क के साथ उतनी ही रहती है, जो हम लोग अगर प्रॉपर मास्क यूज करें, क्योंकि ये ब्रीदेबल मास्क होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं होता है जी।
जी डॉक्टर साहब, मौसम बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को कुछ और तरह की भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लूज मोशन है, फीवर है, और गर्म ठंडे से भी अगर आते हैं तो शायद कुछ लोगों को जुकाम का भी सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हम कैसे ये माने कि ये जो भी हमें बीमारियां अब इस समय हो रही हैं वो कोरोना से संबंधित नहीं है? ये तो हम टेस्टिंग के बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि कोविड में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कईयों को देखा है कि इनिशियली डायरिया जैसे ही मैनिफेस्टेशन हो सकती है, या फिर सर्दी जुकाम हो सकती है, गला खराब हो सकता है, या फिर बुखार भी हो सकता है कुछ लोगों को। तो ये कोरोना है कि नहीं है वो बिना टेस्टिंग के डेफिनेटली नहीं कह सकते। जहां पे फिजिबिलिटी कम है टेस्टिंग की, उतनी सुविधा नहीं है, तो बेस्ट है कि जिसको भी कोई भी ऐसा सिम्टम होए उनको हम आइसोलेशन में रखें। स्कूल्स में भी ये गाइडलाइंस हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी ऐसा सिम्टम होए तो बच्चे को अलग रखें बाकी बच्चों से, फिर टेस्टिंग उनकी करके ये करते हैं। जहां पे सुविधा नहीं है टेस्टिंग की तो बेटर है कि आइसोलेशन में रखें, और उससे बच्चे का भी बचाव रहेगा, दूसरे लोगों का भी बचाव रहेगा। जी डॉक्टर साहब, सर्दी खांसी जुकाम में तो हम मान के चलते हैं कि तीसरे या चौथे दिन अगर कोरोना नहीं है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इन केस ऑफ अ डायरिया व्हाट वी हैव टू डू, कितना हमें इंतजार करना चाहिए कि उसके बाद हम जाकर टेस्ट कराएं कोरोना का कि हमें कोरोना है या नहीं है? मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कोविड वाले, उनमें सिर्फ डायरिया नहीं होता है, इट मे स्टार्ट विद डायरिया लेकिन उसके बाद में फिर नजला जुकाम या गला खराब या बुखार हो जाता है लोगों को। सिर्फ डायरिया होए ऐसा कोरोना में कम होता है। तो जिनको भी उसके बाद में सर्दी जुकाम गला खराब या फीवर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग अगर रहे तो डेफिनेटली कोविड का टेस्ट होना चाहिए, और ये प्रिकॉशन जो आइसोलेशन पीरियड है वो सेम है, चाहे वो गले खराब की वजह से हो चाहे डायरिया की वजह से हो, वो पीरियड आइसोलेशन का सेम है अगर कोविड है तो। जी श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है कोरोना से संबंधित, तो आप फोन कर सकते हैं 2342-1764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2342-1764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। बहरहाल बड़ौत से महेश शर्मा अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। महेश जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ जी, छोटे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और जो उन्हें भी ऐसा जाननी हो रही है, मास्क कब तक लगाएंगे और इसका कोई उपाय बताइए, हम अपना बचाव कैसे रखें और बच्चों का भी। जी डॉक्टर साहब, एक बार बताने कृपा करना, एक बार फिर अपने जवाब को रिपीट आप कर सकते हैं। अभी जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आती हैं मास्क हटाने की, तब तक हमको मास्क लगाना है। बच्चों में वैक्सीनेशन अभी 12 साल के ऊपर का है, 5 से 12 साल का आ जाना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। तो जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं होते हैं और कोविड नंबर्स कम नहीं होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से, तब तक मास्क का यूज करना होगा बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, इस समय कोरोना के जो मामले हैं वो कुछ विशेष इलाकों में ही बढ़ रहे हैं, तो इस बीच एक और श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, आइए पहले उनका प्रश्न सुन लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। असम से आम्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। आम्या जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, नमस्कार डॉक्टर जी। आम्या जी बोल रही हूँ उदलगुरी असम से। जी कहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या कोविड के जो सिर दर्द है और माइग्रेन के सिर दर्द है इसके बीच क्या फर्क है, क्योंकि मेरे को ना हम माइग्रेन है और सिर दर्द होते रहते हैं। जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत बेसिक सवाल है, माइग्रेन का सर का दर्द, ब्लड प्रेशर का सर का दर्द और कोरोना से होने वाला सिर का दर्द, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये
कोरोना में सिर्फ सिर का दर्द होना कम चांसेस हैं, साथ में बुखार होएगा, नजला जुकाम होगा, गला खराब होगा, डायरिया वगैरह हो सकता है, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जा सकती है। अभी ओमिक्रॉन में तो ज्यादा नहीं पाया गया है, लेकिन पहले डेल्टा वेव में और अल्फा में तो काफी था, कई लोगों में टेस्ट और स्मेल की प्रॉब्लम थी। तो अगर टेस्ट और स्मेल की प्रॉब्लम है साथ में तो फिर कोविड का टेस्ट करें, लेकिन सिर्फ हेडेक कोविड में लेस लाइकली। बाकी जो ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक होता है वो पूरे सिर में होता है, और जब भी बीपी ज्यादा होता है उस समय हेडेक बढ़ता है। जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो एपिसोडिक होता है, हाफ हेड में यूजुअली होता है और सिवियर होता है काफी। पहले लोगों को पता चल जाता है कि अभी सिर में दर्द बढ़ने वाला है, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता है, और कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं या टाइम्स हैं जब ये हेडेक ज्यादा होता है, जैसे स्ट्रेस से हो जाता है, लेडीज में साइकिल्स के टाइम में होता है। तो इस टाइप से लोगों को पता चल जाता है कि अब हमको हेडेक होने वाला है और दवाई उस समय लेते हैं। हाफ हेड का अगर है तो मोर लाइकली टू बी माइग्रेन दैन हाइपरटेंशन, और पूरे सिर का है, रोज रोज होता है तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। जी, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश हमारे श्रोताओं को करनी चाहिए कि कब सिर का दर्द बीपी का दर्द है, कब सिर का दर्द माइग्रेन है, और क्या वो कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं। आइए हरियाणा के मेवात चलते हैं, वहां से इलाही बख्श अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। इलाही बख्श जी, स्वागत है आपका। नवीन सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। मैम सर आपको मेरा नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सर मेरा 8 मंदों का परिवार है, 8 मंदों ने मेरे मतलब दोनों डोजों ले ली हैं और तीसरी डोज का इंतजार है, और तीसरी डोज कितने महीने बाद हम ले सकते हैं जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं। सर डॉक्टर साहब ये वही जानना चाहते हैं कि अगर कोवैक्सीन है तो कितने दिनों बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं, कोविशील्ड है तो कितने दिनों बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस फिलहाल 9 मंथ्स की है दोनों के बाद, चाहे कोविशील्ड लगा हो या कोवैक्सीन लगा हो। अभी ऐसे चांसेस हैं कि शायद गवर्नमेंट उसको 6 मंथ्स कर दे, तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की वेट हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर चेंज हुई तो उसके बाद पता चचलेगा। फिलहाल करेंटली 9 मंथ्स का गैप चाहिए, चाहे कोवैक्सीन लगाओ या कोविशील्ड लगाओ बूस्टर डोज के लिए। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अनिल जी, आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। अनिल जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते नवीन सर। नमस्कार। और डॉक्टर मैडम को भी नमस्ते। नमस्ते। हाँ मेरा सवाल ये है कि जो इस समय कोरोना के मरीज आ रहे हैं, इस वायरस को क्या नाम दिया गया है? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे तो छोटे, तो सर वो इतना हाथ हो धोने का ध्यान न रखे या मास्क वगैरह, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, स्कूल भेजें या ना भेजें? ये दो सवाल हैं सर। जी डॉक्टर पढ़ना। जो वेरिएंट है, वेरिएंट तो ओमिक्रॉन ही है, उसके कई सब वेरिएंट्स हैं, उतना हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेन वेरिएंट ओमिक्रॉन है और उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सब वेरिएंट्स में, अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उसमें ट्रांसमिसिबल सारे हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क है ट्रांसमिसिबिलिटी में, सिवियरिटी सबकी एक समान है। तो इसलिए अगर हमको ये हो कि भाई ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो उतना जानकारी इनफ है। सेकंड, बच्चों का जो आपने पूछा था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए या मास्क लगाते हैं, बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि अब जब स्कूल खुल गए हैं तब बच्चे अगर और बच्चों से मिलेंगे तो इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन बेटर होगा, फिजिकल क्लासेस में लर्निंग बेटर होगी। अभी कोविड इतना ज्यादा नहीं है कि हम उनको घर में रखें,
इसीलिए स्कूल खोले गए हैं क्योंकि अभी कोविड इतना ज्यादा नहीं है। कुछ जगह में जो कोविड बढ़ रहा है, नंबर्स बहुत कम हैं, अभी भी नंबर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। जब भी आपके बच्चे का वैक्सीन लगने का टाइम आएगा, उनको वैक्सीन जरूर लगवाइए टू प्रोटेक्ट देम फर्दर। जहां तक मास्क के यूज की बात है, तो मास्क एज पर गाइडलाइंस, बच्चों को मास्क, 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको मास्क जरूर पहनना है। 5 से 12 में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, तो मास्क ही उनकी प्रोटेक्शन है जब और बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। तो हरियाणा के गुरुग्राम से सुभाष हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने सवाल के साथ। सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बच्चों में जैसे जन्मजात शिशु में सर डॉक्टर से मैं पूछना चाहूंगा कि डायरिया जो होता है, 6 महीने का शिशु है या 7 वर्ष के बाद का शिशु है, तो उसको डायरिया में क्या हो सकता है सर? क्योंकि उसको तो माँ का स्तनपान करता है और बाहर का खाना तो खैर मतलब उसको मतलब कैसे हो, उसको भी मतलब ज्यादा खतरा रहता है डायरिया का, यही मैं पूछना चाहता था सर। धन्यवाद जी। डॉक्टर अपर्णा, मैं को पूरा क्लियरली सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर अपर्णा ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने का बच्चा है जो स्तनपान पर है, माँ का दूध ही पीता है, क्या उसको भी डायरिया होने के चांसेस हैं? क्या डायरिया हो सकता है उनको भी अगर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन नहीं रखी गई हो? तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो माँ को ये ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीड करने से पहले अपने हाथ धोएं और ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करें। अगर ये नहीं होए और बाय चांस, क्योंकि गर्मियों में पसीना वगैरह ज्यादा आता है, अगर हाथ इधर उधर लगे या उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन है तो बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखें और माँ अपना हाथ वगैरह साफ करें बच्चे के, और इसके अलावा हाथ वगैरह मुंह में नहीं डालता है, तब बच्चे को दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस, डायरिया होने के चांसेस कम है। लेकिन इस उम्र में बच्चों के दांत निकलने शुरू हो सकते हैं कुछ के, तो बच्चों की आदत होती है इधर उधर टच करते हैं, साथ में अपनी उंगली चबाते रहते हैं, उससे इन्फेक्शन जा सकता है जी। डॉक्टर अपर्णा, ऐसे में प्राथमिक उपचार क्या किया जाए ताकि इमीडिएटली रिलीफ थोड़ा सा मिल सके बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल? डायरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइड्रेशन जी, तो कोई भी दवाई उतनी जरूरत नहीं होती है, और स्पेशली बच्चों में क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन का हमको खास ख्याल रखना है। हाइड्रेशन में क्योंकि जब भी लूज मोशंस होते हैं तो उसमें पानी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, तो वो चीज हमको रिप्लेस करनी है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में हम वो इलेक्ट्रोलाइट्स ORS की जो सॉल्यूशन आती है वो रिप्लेस कर सकते हैं। 6 महीने से कम के बच्चों में माँ का ब्रेस्ट फीडिंग ही करते हैं, यूजुअली उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अब मौसम में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और आने वाले वीक में भी लगभग लू देखने को काफी मिलेगी और हीट वेव जिसे हम कहते हैं, ऐसे में क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें लू न लगे? और अगर बाय चांस किसी व्यक्ति को हीट वेव का स्ट्रोक होता है या लू लगती है तो उसको कौन कौन से प्राथमिक उपचार तुरंत करने चाहिए ताकि उसको बचाव हो सके? सबसे इम्पोर्टेंट है धूप से बचना। जो पीक दोपहर में जो टाइम होता है गर्मी का, उस समय जितना कम बाहर निकले धूप में उतना बेटर है, जितना अवॉइड कर सकते हैं। कई बार अवॉइड नहीं कर सकते, काम ऐसा हो सकता है जिसमें धूप में निकलना जरूरी है। उसके लिए हमको अम्ब्रेला यूज करें, बाकी जो भी ऐसे एक हाइड्रेशन का हमको ख्याल रखना है, तो धूप से जितना भी बचाव कर सके, 2-व्हीलर में ना जा करके अपनी ऐसी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें जिसमें धूप का कम प्रकोप रहेगा, वॉकिंग में ही अगर जाना है वॉकिंग ही करनी है, तो हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रखना है क्योंकि पसीना ज्यादा आएगा और उतना फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स
नमक भी अंदर उतना शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि स्वेट में पानी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। तो ये दोनों का हमको खास ख्याल रखना है, जब भी अगर धूप में निकलना हुआ तो जी। और लू अगर लगेगी तो बेस्ट है कि सबसे पहले तो ठंडी जगह में जाएं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो अस्पताल में जाएं, लेकिन अदरवाइज ठंडी जगह में जाएं, पंखे के नीचे, उसे स्वेट वगैरह इवेपोरेट होता है उससे ही होता है, प्लस हाइड्रेशन, ये दो चीजों का खास ख्याल रखना जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि कोरोना से जो पीड़ित व्यक्ति थे जिन्हें सीवियर कोरोना हो गया था या कोरोना कुछ टाइम के लिए उन्हें रहा था, क्या उनके लिए हीट स्ट्रोक ज्यादा घातक हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन? ऐसा नहीं कह सकते अभी, इट इज टू अर्ली टू से दैट। कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि वो ज्यादा घातक होए। कोरोना के बाद में चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस में भी मोर, जो हीट स्ट्रोक में डिहाइड्रेशन से भी होता है, बट ये ज्यादा होता है पोस्ट कोविड वो नहीं कह सकते अभी, इसके बारे में हमारी जानकारी पूरी नहीं है जी। डॉक्टर साहब, हम वापस अपने बेसिक प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली जैसे कुछ क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी तेज नजर आ रही है, ऐसा किस लिए, क्या कोई विशेष कारण है यहाँ पे, या यहाँ पे गर्मी की वजह से या मौसम की वजह से बदलाव आ रहा है कोरोना में? मौसम की वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारी कंट्री में दिल्ली में जो डिफरेंट वेव्स आई हैं सब मौसम में आई हैं। अभी स्कूल्स खुले हैं, बाकी सब खुला है, उसमें नेचुरली पब्लिक इंट्रैक्शंस ज्यादा है, मार्केट्स में भी जैसे देख रहे हैं भीड़ वगैरह पूरी है। इसमें हमको खास ख्याल ये रखना है कि मास्क जरूर पहने, बहुत ज्यादा भीड़ वाले एरिया को अवॉइड करें। ये आजकल हम आमतौर पर ये देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क गले में लटकाया हुआ है या नाक के नीचे है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली प्रॉपर वेयरिंग ऑफ मास्क जरूरी है, उससे ये कम होएगा। जिस हिसाब से वेव्स में जो कोरोना के नंबर्स बढ़े थे वैसे नहीं बढ़े हैं, दो हफ्ते हो गए हैं नंबर्स बढ़ते हुए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। लास्ट वीक और उससे पहले वीक के नंबर्स सेम हैं। होपफुली यह ट्रेंड कम होना शुरू होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, मास्क की बात करते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति डबल मास्क लगा रखे हैं, सर्जिकल मास्क लगा रखे हैं, फिर उसके ऊपर वो N95 मास्क भी लगा रखे हैं, क्या अब ये उतना जरूरी है क्या? आम जनता के लिए नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो ICU सेटिंग्स वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए ये, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनमें दूसरी हेल्थ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं या सीवियर कोविड के चांसेस ज्यादा हैं, वो पहन सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, करीब 2.5 से 3 साल हो चुके हैं हमें कोरोना पे बात करते हुए और कोरोना से संबंधित बहुत सी जितनी भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए, आने वाले कितने और वक्त तक हमें इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? हालांकि पूरे विश्व में केसेस कम हो रखे हैं अगर हम चीन को छोड़ दें तो क्या अभी हमें और आने वाले कुछ और सालों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? कोई नहीं कह सकता, ये जो जनरल ट्रेंड होता है पैंडेमिक्स में, उसके बाद डिजीज एंडेमिक हो जाती है, बीच बीच में केसेस आ सकते हैं, तो कुछ तो देखते रहेंगे, लेकिन वेव्स कितने टाइम तक आएंगी नहीं कह सकते हैं। विश्व भर में कम हो रहे हैं लेकिन कई कंट्रीज में अभी भी वेव के नाम पर है, जैसे UK में नंबर ज्यादा बढ़े हैं डिस्पाइट वैक्सीनेशन, डिस्पाइट की हालांकि सीवियरिटी नहीं है। चाइना में तो खैर अभी काफी बढ़ रहे हैं लेकिन वहां पे भी मोर्टेलिटी उतनी नहीं रिपोर्ट हुई है। इंडिया में उतने नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो कई लोग इसको वेव का नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि नंबर्स थोड़े से बढ़े हैं कुछ स्टेट्स में, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द ओपनिंग अप। जैसे सोशल इंट्रैक्शन बढ़ेंगी तो कुछ तो नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन इट शुड कम डाउन। दिल्ली में जैसे अभी है कि लास्ट वीक और उससे पहले वीक के नंबर्स आर सेम, होपफुली अब डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे देश में इस समय कोरोना के जो मामले वो काफी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि आपने कहा, इसमें वैक्सीनेशन का क्या बहुत बड़ा रोल है
कि हम लोग मैक्सिमम लोग हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द देम जिन्हें उनके बूस्टर डोज भी लग चुकी है, दो डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या ये एक अहम रोल निभा रहा है? बिल्कुल, सिवियरिटी कम में भी इसका रोल है, नंबर ऑफ इन्फेक्शन कम होने में भी इसका रोल है, दोनों चीजों में वैक्सीनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ओमिक्रॉन हम लोग कह रहे हैं कि वेरिएंट लेस सिवियर है, थर्ड वेव में हमने देखा है कि सिवियरिटी काफी कम थी। एक तो ओमिक्रॉन कम सिवियर है वो भी रीजन था, लेकिन वैक्सीनेशन वाज आल्सो अ बिग रीजन कि सिवियरिटी कम थी। जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर साहब, अगर अब जब बूस्टर डोज की बारी आ रही है तो क्या ये आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम बूस्टर डोज लगवाएं, या हम कुछ और दिनों के लिए उसको टाल सकते हैं कि ये कुछ लोग सोचते हैं कि अनावश्यक तौर पे बूस्टर डोज क्यों लगाई जाए जबकि कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं? स्पेशली जो हाई रिस्क वाले उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए, एल्डरली को डेफिनेटली लगवाना चाहिए, कोमॉर्बिडिटीज वालों को डेफिनेटली लगवाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल काफी करते हैं या जो निकलते हैं काफी घर से बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए क्योंकि बूस्टर के साथ में इम्यूनिटी जिनकी भी कम हो रही है, हर पेशेंट में हर पर्सन में हम एंटीबॉडी लेवल्स नहीं टेस्ट कर रहे हैं, तो टू इम्प्रूव द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, और ये कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, बूस्टर जब भी ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी कि 60 से नीचे वाले भी ले सकते हैं उनको लगवाना चाहिए, 60 के ऊपर के लिए तो ओपन है जी, तो लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कभी कभी पेशेंट्स या लोग पूछते हैं कि क्या मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन अब हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते? फिलहाल गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं अलाउड है, जो हमने पहले लिया था वही उसी का बूस्टर लगेगा, आगे गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या आती हैं वो हमको वेट करना है क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी डिस्कस कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द इंटरवल भी डिस्कस हो रहा है, 5 to 12 years बच्चों में भी वैक्सीनेशन का डिस्कस हो रहा है, इसकी गाइडलाइंस जैसे भी आएंगी तब उसके हिसाब से कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? अभी भी हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज पहले जितनी रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, तो जब भी बाहर निकलें घर के मास्क लगा के निकलें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर कोई भी सिम्टम है बुखार, गला खराब, नजला जुकाम, तो बाहर निकलना अवॉइड करें, घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखें। जी डॉक्टर अपर्णा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस डिस्कशन से एक बात तो साफ हो गई है कि कोरोना अभी गया नहीं है, आपको एहतियाती उपाय अपनाने ही पड़ेंगे तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोरोना जैसी बीमारी से बचा के रख सकते हैं। एक बात और सामने निकल कर आई है श्रोताओं इस डिस्कशन से, बूस्टर डोज, अगर बूस्टर डोज की बारी आपकी आ रही है तो बिना हिचक के आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, और आप लगवा सकते कोमॉर्बिड हैं तो भी आपको बूस्टर डोज लगवानी ही है, 60 साल से ज्यादा की उम्र है, एल्डरली पर्सन है तो भी आपको बूस्टर डोज लगवाना जरूरी ही है ताकि आप अपने आप को आने वाले कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचा सकें। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।